इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 8 किसले भाग 3 बिहार बोर्ड का ये हिंदी बुक है और इसका हम जानेंगे फर्स्ट चैप्टर तू जिंदा है तू कविता है जिनका लेखक है शंकर शैलेंद्र। बहुत अच्छा कविता है, ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ समझेंगे। इसमें प्रश्न उत्तर है नहीं, तो पूरी ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का, देखिए बहुत अच्छा कविता है। यहाँ पर हम समझते हैं तू जिंदा है तो, कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। जीवन का जो उत्साह होता है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा। और इस कविता में बताया गया है कि आपके जीवन में जो बीत गया है, जो अतीत है, उसको भूल करके नया आशा जगाइए और जीतने की आशा का इसमें स्वागत करता है। देखिए कहा गया है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखिए अब कभी कहते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल क्या होते हैं, सोचते रह जाते हैं ये करना है वो करना है, तो कभी कहते हैं अगर तू जिंदा है तो हार मत मान, जिंदगी के जीत में यकीन कर, विश्वास कर, अगर तुमको कोई चीज़ चाहिए, अगर कोई स्वर्ग लग रहा है तो उस चीज़ को उतार ला जमीन पर अपने पास, उसको हासिल कर, अपने मेहनत में बदल। ठीक है, ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए हजार दिन। कहते हैं ये जो कष्ट है, ये जो दुख है, ये बस चार दिन रहते हैं, ये सितम के चार दिन है बस, मतलब कुछ ही दिन ये गम और सितम के हैं, ये दिन भी गुजर जाएंगे क्योंकि और भी बहुत सारे हजारों दिन गुजर गए। तो ये जो कष्ट और दुख के जो दिन हैं ये क्या होंगे, एक दिन गुजर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार से हजारों दिन क्योंकि गुजर चुके हैं। कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कभी आप क्या कहते हैं कि कभी तो हमारे ऊपर भी इस खुशी की, इस मतलब ये जो खुशी होता है इसकी नज़र तो कभी हम पे भी होगी। मतलब हम जो कष्ट में है, दुख में है, हमेशा सोचते रहते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो कभी तो इन चीज़ों को भी हमारे ऊपर तो नज़र होगी। तो हम अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे ज़मीन पर उतार लाइए अपने मेहनत की बदौलत। तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत नहीं की। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसमें कभी क्या कहते हैं, अब सुबह और शाम के समय क्या होता है, आकाश का कलर जो होता है अलग अलग प्रकार के रहते हैं, मतलब रेड कलर का रहता है सुबह और शाम के समय। वे कहते हैं सुबह और शाम के रंगे हुए गगन, मतलब आसमान को चूम कर, तुम ध्यान से सुनो ये जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, धरती पर जो लहलहाते हुए किसानों के खेत हैं, वृक्ष हैं, ये सब गा रहे हैं, धरती कह रही है कि तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, तू मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। मतलब मौत जो है अनेकों रूप में आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर, आपके पास आई, लेकिन अभी अगर आप जीवित हैं तो समझ लीजिए वो आपको छल नहीं सकी, आप उससे जीत नहीं सकी, और वो हार कर चली गई। तो इसीलिए आपको नई जिंदगी मिली है, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, क्योंकि डेली नई सुबह जब होता है तो नई ज़िंदगी मिलती है। तो आप इसमें नया प्रयोग कीजिए, जो हार गए, जो बीत गया, उसको भूल करके नई चीज़ को पाने की उत्साह जगाते हैं। हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। मतलब हमारे कारवा जब हम चले हैं मेहनत करने के लिए, आगे बढ़े हैं, तो हमें भी मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। और ये जो है हमारा जो मंजिल है, ये क्या है, हमारा मेहनत जो है, मेहनत आंधी और बिजली, मेहनत जब करेंगे तो विभिन्न प्रकार की परेशानियां आएंगी, लेकिन उसको तोड़ते हुए, उस परेशानियों को पार करते हुए अपनी मंजिल के पास जाना है। तो आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसलिए कहता है कि आप चलिए तो सही, कारवा अपने आप बन जाएगा, आप मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आप मेहनत के बल पर जो आपको अच्छा लग रहा है, जो स्वर्ग लग रहा है, उसको आप हासिल करें। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, ये जो धरती है इसके अंदर आग भी रही है, जल जले भी रहे हैं, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहते हैं जमीन जो होती है इसके अंदर आग भी रहता है, जल जले भी रहते हैं, लेकिन ये कभी टिकती नहीं है। भूख रोग जो होते हैं, हमारे भूख जो होते हैं, आ जाया कल चला जाएगा, रोग एक दिन आता है ख़त्म हो जाता है, तो चले जाएंगे, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, जो भी मुसीबतें आएंगी उसको ख़त्म करके हम एक साथ चलेंगे, तुआ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। आगे आप समझिएगा, पेट की बुरे हैं दिल के दागी, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर।
अब कभी क्या कहते हैं, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। सही बात है, भूख लगती है तो लोग कोई भी काम करने को मजबूर हो जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं, बुरे हैं पेट आग की, बुरे हैं दिल के दाग ये, ना दब सकेंगे। और ये कभी दबते नहीं है, ख़त्म नहीं होते हैं, यही एक दिन क्या होते हैं, इनकलाब बनकर के आगे बढ़ते हैं। और जितने भी जुल्म करने वाले लोग हैं वो एक दिन ढहेंगे, वो ख़त्म होंगे और फिर से बनेगा नवीन घर, ईमानदारी का घर बनेगा, जुल्म ख़त्म होगा। कहीं स्वर्ग है तो उसे ज़मीन पर उतार लाइए। देखिए कुछ शब्दार्थ दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि हिंदी करने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे यकीन मीन्स होता है भरोसा, सितम मीन्स होता है जुल्म, गुजर मीन्स होता है बीतना, चमन, चमन मीन्स होता है बाग फुलवारी, चमन मीन्स होता है बाग फुलवारी, बहार, बहार मीन्स होता है शोभा सुंदरता, जुल्म मीन्स होता है अत्याचार, श्रृंगार मीन्स श्रृंगार होता है, कारवा मीन्स काफिला होता है, जमीन मीन्स जमीन, अगन मीन्स आग, जलजले मीन्स भूकंप, स्वराज मीन्स अपना राज्य। तो हमने इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का हिंदी अर्थ समझाया, लाइक कर दीजिए। अगला दूसरा चैप्टर है ईदगाह, इसका प्रश्न उत्तर जानेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।